कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात। तो ये 14 प्रश्नावली है 10th क्लास में। अनुपात तो न्यून कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात में हम देखते हैं सबसे पहले समकोण त्रिभुज। जैसे त्रिभुज बना हुआ है। अब हम क्या करते हैं, जैसे कि ये कोण है वो 90 डिग्री से कम है, ये कोण है ये 90 डिग्री से कम है, इसलिए हम इसमें क्या करते हैं बनेगा। मान लीजिए हमारा कोण ये बन रहा है तो आधार हमारा कहलाएगा ये वाला, यानी जहां पर कोण बनता है वही हमारा आधार कहलाता है। आधार ये हमारा लंब कहलाएगा और ये हमारा कारण कहलाएगा। अगर मान लीजिए कोई समकोण त्रिभुज है इस तरीके से और उसमें कोण यहां पर बन रहा है तो ये हमारा आधार कहलाएगा, जहां पर कोण बनेगा यानी ये आधार कहलाएगा, ये लंब कहलाएगा और ये कर्ण कहलाएगा। तो इस तरीके से हम पता लगाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमें उदाहरण दिया हुआ है कि एक त्रिभुज समकोण त्रिभुज रखा है एबीसी, कोण यहां पर है ये थीटा कोण यहां पर दे रखा है तो आधार कौन सा है ये वाला आधार हो जाएगा, यानी कि ये वाला हमारा आधार हो जाएगा और लंब क्या हो जाएगा ये। मान लीजिए एक और समकोण त्रिभुज रखा है हमें, जैसे कि ये PQR है, यहां पर कोण हमारा यहां पर दे रखा है तो आधार कौन सा होगा और लंब कौन सा होगा, तो जहां पर कोण बना हुआ है वो आधार होगा, यानी ये आधार होगा हमारा और लंब ये होगा और कर्ण समकोण के सामने वाला होगा यानी ये समकर्ण होगा। अब हम क्या करते हैं, इसके आधार पर हम एक हमें बोधायन प्रमेय का जो फार्मूला है वो याद है। क्या है बोधायन प्रमेय का फार्मूला? बोधायन प्रमेय जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला कैसे आया, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। जैसे कि हमारे पास में समकोण त्रिभुज बनता है, समकोण त्रिभुज में जो समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा है और जो वर्ग बनता है, जैसे कि यहाँ पर ये वर्ग बनाया हमने, ये वर्ग होता है कर्ण का वर्ग, तो ये हमारा कहलाएगा कर्ण का वर्ग। तो ये वर्ग है ये आधार का वर्ग प्लस, आधार का वर्ग क्या है ये वाला वर्ग, आधार का वर्ग प्लस लंब के वर्ग के बराबर होता है, तो ये हमारा कहलाएगा लंब का वर्ग, लंब का वर्ग। तो इसके आधार पर हमारा ये फार्मूला होता है। तो हमें एक मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, जैसे कि त्रिभुज है हमारे पास में त्रिभुज दिया है ए बी सी, जैसे कि ये त्रिभुज दिया हुआ हमें ए बी सी, यहां पर क्या है ये कर्ण की वैल्यू दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर और
एक हमें दे रखा है यहाँ पर लंब वेल दे रखा है 4 सेंटीमीटर, हमसे ये वैल्यू पूछे हैं यानी कि आधार का मान पूछा है, का आधार का मान क्या होगा। तो आधार का मान कैसे निकालेंगे हम, फार्मूले से निकालेंगे यानी कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर हमें निकालना है, तो आधार हमारा क्या है यहाँ पर BC, तो BC स्क्वायर हम लिख देते हैं प्लस लंब स्क्वायर, लंब कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 का स्क्वायर 75 कर देंगे 16 इक्वल टू BC स्क्वायर। यहाँ पर हो गया ये 25 में 16 गए तो 9, और यहाँ पर हो गया BC स्क्वायर। तो इसको 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं और यहाँ पर BC स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और BC का मान कितना आ गया 3, तो BC की वैल्यू कितनी होगी 3 होगी, ये हमारा आंसर है। दूसरा हम देखते हैं न्यून कोणों के त्रिकोणमिति जो अनुपात है वो किस तरीके से निकालेंगे, यानी कि जो फार्मूले हम बनाते हैं साइन थीटा कोस थीटा के वो किस तरीके से बनाते हैं, न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एक्यूट एंगल। न्यून कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात अनुपात। तो यहां पर हम देखें जैसे कि ये हमारा ABC है, ABC ABC, ये हमारा थीटा है, कर्ण ये थीटा है तो ये हमारा आधार होगा और ये हमारा लंब होगा। अब हम क्या करते हैं, जो भी हम त्रिकोणमिति के जो सूत्र निकालते हैं वो एक फार्मूला होता है हमारे पास में, के ए। अब हम साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा उनको क्रम से लिख देते हैं, जैसे कि यहां पर हो गया हमारा साइन थीटा, यहां पर हो गया हमारा कॉस थीटा और यहां पर हो गया हमारा टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा हमने यहां पर लिख दिया। कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो सेक थीटा हमने यहां पर लिख दिया सेक थीटा। और साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, तो कोसेक थीटा हमने यहां पर लिख दिया COSEC कोसेक थीटा। तो ये हमारे पास में त्रिकोणमितीय अनुपात हो गए। अब हम क्या करते हैं, मान लीजिए हमें साइन थीटा का फार्मूला लिखना है, तो साइन थीटा का फार्मूला क्या होगा यहां पर हम देखें, साइन थीटा का जो फार्मूला होगा वो होगा एल मतलब कि लंब, तो यहां पर हम लिख देते हैं जैसे कि लंब है, ए मतलब का आधार है और के मतलब का कर्ण है, कर्ण। तो साइन थीटा बराबर क्या हो गया, साइन थीटा बराबर लंब बटे कारण। उसके बाद में हम देखते हैं कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटे कारण। तो
ए मतलब आधार है, के मतलब कर्ण है, तो आधार बटे कर्ण। फिर हम देखते हैं टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होगा, टेन थीटा का सूत्र होगा लंब बटे आधार, क्योंकि एल बटे है तो लंब बटे आधार, आधार तो ये टेन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हमारा कॉस थीटा के लिए हो जाएगा आधार बटे लंब कर्ण, ये हमारा साइन थीटा के लिए हो जाएगा लंब बटे कर्ण। अब हम बाकी के लिए देखते हैं, जैसे कि अब कोसेक थीटा हम देखते हैं, ये वाला कोसेक थीटा क्या होगा, यहां से यहां चलेंगे हम, यानी कि कोसेक थीटा का सूत्र होगा कर्ण बटे लंब, तो कोसेक थीटा होगा कर्ण बटे लंब। फिर सेक थीटा देखते हैं, सेक थीटा हम वैसे जाएंगे, यानी कर्ण बटे आधार, सेक थीटा होगा कर्ण बटे आधार। फिर कॉट थीटा हम देखते हैं, कॉट थीटा में से जाएंगे, यानी आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। अब यहां पर हम देखें कि आधार लंब कर्ण क्या है, तो यहां पर देखें कि BC की वैल्यू लंब है, तो ये BC हमारा लंब है, यहां पर AB है हमारा आधार है और AC हमारा कर्ण है, तो ये सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब हम देखें कि जो एंगल निकाला जाता है वो हमने देख लिया है कि किस तरीके से एंगल निकालते हैं, देखते हैं कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं, जैसे कि हम जो साइन थीटा यूज करते हैं यहाँ पर, पहली बात तो साइन है ये फुल फॉर्म इसकी ये होती है साइन, लेकिन इसको हम को सोचते हैं सिर्फ साइन, यानी ई को हम हटा देते हैं। दूसरी बात, जैसे कॉस थीटा है, कॉस थीटा की हमारी फुल फॉर्म जो होती है वो होती है कोसाइन, COSINE, तो हम इस आइन को यहाँ पर हटा देते हैं, कॉस ही रह जाता है हमारे पास में। तीसरा, टेन थीटा की फॉर्म होती है टेंजेंट, टेन जेंट, तो हम यहाँ पर टेंजेंट जेंट को हटा देते हैं, सिर्फ टेन को ही शॉर्ट सर्किट में शॉर्ट में रखते हैं, तो ये साइन को सिर्फ साइन थीटा रखते हैं, कोसाइन थीटा होता है तो कोसाइन कॉस रखते हैं यहाँ पर, और टेंजेंट थीटा होता है तो सिर्फ टेन रखते हैं यहाँ पर। इसी तरीके से जो कॉट है ये होता है कोटाजेंट, कॉट एजेंट, COTAGENT, कॉट एजेंट थीटा, तो इसमें हम सिर्फ कॉट को ही रखते हैं शॉर्ट फॉर्म को। फिर हमारा होता है सेकेंट, SECANT, सेकेंट थीटा, तो इसमें सिर्फ एंट को सेक को ही रखते हैं हम। और एक होता है साइन कॉस टेन और एक होता है कोसेक, तो कोसेंट हम बोलते हैं, COSECANT, SECANT, कोसेंट थीटा, तो यहां पर सिर्फ कोसेक को ही रखेंगे, तो इस तरीके से इनकी फुल फॉर्म होती है। अब क्या करते हैं कि कई बार हमें ये कंफ्यूजन हो जाता है कि साइन को थीटा से मल्टीप्लाई किया हुआ है, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है यहाँ पर कि साइन को हमने मल्टीप्लाई किया है थीटा से, ये साइन थीटा एक ही टर्म होती है हमारी। इसी तरीके से कॉस थीटा और टेकॉट थीटा, टेन थीटा, ये गलत होगा हमारा, टेन अगर टेन को हमने मल्टीप्लाई किया थीटा से ये हमारा गलत कॉन्सेप्ट हो जाएगा, क्योंकि टेन थीटा हमारा एक ही चीज है। अब हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन, हम देखते हैं जैसे कि
एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, त्रिभुज बीसी जिसमें बी कोण समकोण है। तो त्रिभुज एबीसी हमने बनाया, इसमें बी कोण समकोण है, यानी ए यहां पर है, बी यहां पर है, बी समकोण है और सी यहां पर है। एक त्रिभुज है, बी समकोण दिया हुआ है, बी कोण समकोण है, तो कोण ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात लिखिए, अनुपात लिखिए। तो कोण ए का त्रिकोणमितीय अनुपात पूछा है, इसका मतलब कोण हम कहां पर बनाएंगे, ए पर बनाएंगे। तो जहां पर कोण बनाया जाएगा वो हमारा हो जाएगा आधार, और दूसरा हो जाएगा हमारा लंब, और तीसरा हो जाएगा हमारा कर्ण। अब हम क्या करते हैं, सारे जो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं इसका मतलब हम ये रख देंगे यहां पर लाल बटे कक्का, इससे हमें याद रखने की कोशिश करेंगे, लाल बटे कक्का, के के ए, यहां पर आएगा हमारा साइन थीटा, साइन थीटा, यहां पर आएगा कॉस थीटा, यहां पर आएगा टेन थीटा, यहां पर आएगा कॉट थीटा, यहां पर आएगा सेक थीटा, यहां पर आएगा कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। अब सबसे पहले हम लिखते हैं साइन थीटा, साइन थीटा क्या होगा, मैं यहां से हम देखें, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। लंब क्या है हमारे पास में, लंब है बीसी, तो साइन थीटा होगा लंब बटे कर्ण, लंब है हमारे पास में बीसी और कर्ण है हमारे पास में एसी, तो बीसी डिवाइड बाई एसी साइन थीटा हो गया। दूसरा हम देखें कॉस थीटा, कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होगा, यहां पर हम देखें आधार बटे लंब है, तो ये हो जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, आधार क्या है हमारा ए बी है और लंब क्या है बी सी है। तीसरा हम देखें टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा बीसी है लंब, और आधार क्या है ए बी है, ये हमारा होगा टेन थीटा। अब देखते हैं हम कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होगा, कॉट थीटा होगा हमारा आधार बटे लंब है, उल्टा हम चलते हैं आधार बटे लंब है। और लंब क्या है बीसी है, फिर हम देख सेक थीटा, कारण है हमारा ए सी और आधार है हमारा ए बी, तो कर्ण
आधार हो जाएगा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा है कर्ण बटे लंब। कारण बटे लंबा, तो ये हमारे पास में सर। दूसरा एक क्वेश्चन देखते हैं, जैसे कि एक त्रिभुज दिया हुआ है एबीसी, उसमें सी कोण समकोण है। त्रिभुज है हमारे पास में एबीसी और सी कोण है वो समकोण है, सी समकोण है। तो जैसे हमने ये कर लिया त्रिभुज एबीसी, सी को हमने समकोण बना लिया, तो सी हमने समकोण बना लिया, तो बाकी ए और बी हम कहीं भी रख सकते हैं। जैसे ए और बी रख दिया हमने, अब क्या किया, ए बी की लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है ए बी की लंबाई, और आधार हमारा BC 24 सेंटीमीटर, आधार BC, तो ये BC आधार घोषित कर दिया और 24 सेंटीमीटर दे रखा है, इसका मतलब कोण हमारा यहां बढ़ेगा और ये 24 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये क्या कर दिया उन्होंने, आधार घोषित कर दिया कि ये आधार है, तो इसका मतलब कोण हमारा यहां पर है, इसका मतलब ये है कि लंब हमारा अब हम क्या करते हैं, ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करने हैं। तो यहां पर ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे हैं, तो ए के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात किस तरीके से निकालेंगे, यानी कोण ए यहां पर पूछा है, इसका मतलब क्या है, कोण ए के त्रिकोणमिति सभी त्रिकोणमिति अनुपात निकालिए, कोण ए के सभी त्रिकोणमिति अनुपात हमसे पूछा है, त्रिकोणमिति अनुपात, तो हम कैसे निकालेंगे, जैसे कि हमारे पास सूत्र हमें पता है क्या है, लाल बटे कक्का, इसमें ये हमारा साइन थीटा है, ये हमारा कॉस थीटा है, ये हमारा टेन थीटा है, नीचे हमारा कॉट थीटा है, कॉस के नीचे हमारा सेक थीटा है, और साइन के नीचे हमारा कोसेक थीटा है। अगर हमें कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, इसका मतलब लंब निकाल सकते हैं, लंब कैसे निकालेंगे, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, आधार स्क्वायर। लंब स्क्वायर कितना है, लंब है हमारा, हमें निकालना है, यानी कि एसी का मान हमें निकालना है, एसी स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर है, और आधार स्क्वायर मतलब कि 24 का स्क्वायर है, तो एसी का मान, एसी स्क्वायर का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 माइनस 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 24 का स्क्वायर हमें अगर पता नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, या 30 तक हमें याद रख लेना है, वैसे याद नहीं है तो इस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, 4 × 4 किया 16, हंस लगी 1, 4 × 8 और 4 × 8, 8 × 8 16, 16 × 1 17,
आंसर लगी एक। दौड़ दो, 2 दुनी 4, 4 एक 5, 576, तो ये 576 आएगा। अब हम देखें यहां पर एसी स्क्वायर का मान कितना आ गया। एसी स्क्वायर का मान आ गया 15 में से 6 गई तो 9, 11 गई 11, 11 में से 4 गई तो 7, 11 में से 7 गए तो 4, 11 के 5, 5 में से 5 गए 0, यानी 49 आ गया। तो एसी का मान कितना आ जाएगा, एसी स्क्वायर इक्वल टू, ये 49 कितना होता है, 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी एसी का मान आ गया 7। तो ये हमारे पास में एसी का मान आ गया 7, इसका मतलब ये हमारा लंब है यहाँ पर 7 है। अब हमें क्या दिया हुआ है कि हमें साइन ए का एंगल पूछा है, अभी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो साइन ए के बारे में पूछा है, ए के अनुपात, ए के अनुपात जब पूछेगा तो ये हमारा आधार होगा, जहां पर कोण बनता है वो आधार होगा, तो इसका मतलब ये लंब हमारा घट जाएगा और क्या आ जाएगा इसकी जगह, आधार आ जाएगा, और ये हमारा आधार है उसकी जगह क्या जाएगा, लंबा जाएगा, क्योंकि साइन ए के अनुपात पूछा है। अगर साइन के अनुपात पूछा होता तो हम आधार इसी को मानते और लंब इसी को मानते, लेकिन साइन भी आधार ये होगा और लंब ये होगा, इसलिए ज्ञात करते हैं साइन थीटा। तो साइन थीटा ज्ञात करें यहां से, अब साइन थीटा हम निकालें यहां पर, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान हम देखें क्या होता है, साइन साइन थीटा का मान होता है हमारा लंब बटे कर्ण, यहां पर हम देखें लंब बटे कर्ण होता है, इसका मतलब लंब कितना है हमारा, लंब है यहाँ पर, जैसे कि ये आधार हो गया घोषित, ये लंब हो गया, लंब कितना है 24, तो साइन थीटा की जगह हम रखेंगे ए, क्योंकि साइन ए का मान हम निकाल रहे हैं, साइन ए का मान आ जाएगा 24, यानी कि लंब डिवाइड बाई कर्ण, कर्ण कितना, कर्ण क्या है यहाँ पर, बी ए है यहाँ पर कर्ण, ये साइन का हो गया। तो इसी तरीके से हम ए बी बी सी यहाँ पर नहीं दर्शाते हैं, डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर, ये कॉस ए का मान क्या होगा, कॉस ए का मान होगा यहाँ पर आधार बटे लंब कर्ण, आधार क्या है हमारा यहाँ पर ए सी, यानी कि 7 है आधार, और कर्ण क्या है 25 है, तो ये कॉस का हो जाएगा। अब हम देखते हैं टेन ए, आधार लंब बटे आधार में क्या होगा, लंब हमारा होगा यहां पर बी सी, यानी कि 24 बटे आधार, एक हमारा होगा 7, तो ये हमारा होगा टेन का मान। अब हम देखते हैं कॉट का मान, कॉट का मान होता है वो टेन का उल्टा होता है, यानी कि 24/7 है उसको हम 7/24 कर देते हैं इस तरीके से डायरेक्टली। फिर हम देखते हैं सेक, सेक का मान होता है वो कॉस का मान का उल्टा होता है, तो सेक ए का मान हम डायरेक्ट लिख देते हैं 25/7, और एक होता है कोसेक,
कुछ एक का मान साइन के मान का उल्टा होता है, यानी कुछ एक ए का मान हो जाएगा 24/25 का उल्टा 25/24। तो ये हमने सारे मान है त्रिकोणमितीय अनुपात के, वो सभी हमने निकाल लिए। कि यदि साइन थीटा का मान 3/5 दे रखा है, यदि साइन थीटा का मान 3/5 है और थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं, थीटा के शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, शेष कौन से 5 बचेंगे साइन के अलावा, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, अनुपात। तो जैसे हमें पता है लाल बटे कक्का से, यहां पर लाल बटे कक्का से क्या पता है कि यहां पर हमारा साइन होता है, यहां पर हमारा कॉस थीटा होता है, यहां पर साइन थीटा कॉस थीटा, यहां पर हमारा टेन थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा नीचे हमारा कॉट थीटा होता है, कॉस थीटा के उल्टा सेक थीटा होता है हमारा, और साइन थीटा के उल्टा होता है कोसेक थीटा। इसका मतलब हम बोले साइन थीटा 3/5 है, इसका मतलब क्या है, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, इसका मतलब यह है कि लंब हमारा 3 है और कर्ण हमारा 5 है, इसका मतलब यही हुआ, क्योंकि सेम रेशियो में अगर हमें ये है वैल्यू, तो ये कर्ण 3 हो गया, लंब 3 हो गया और कर्ण 5 हो गया। तो बाकी हमें निकालना है यहां पर आधार। तो जैसे एक समकोण त्रिभुज बना देते हैं हम, समकोण त्रिभुज ये है हमारा, इसमें कर्ण हमारा ये दे रखा है 5, ए बी सी, कोई सा भी त्रिभुज बना देते हैं हम ए बी सी, इसमें हमें ये देखना होगा थीटा हम कहाँ लगाएं। तो जैसे 5 ये है यहाँ पर और लंब है हमारा 3, तो लंब अगर हमारा 3 यहाँ पर है, इसको हम 3 लगाते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कोण कहाँ पर बनेगा, यहाँ पर बनेगा, क्योंकि ये आधार होगा फिर जहां पर कोण बनेगा, तो यानी ये आधार होगा। तो सबसे पहले हम आधार निकाल लेते हैं, ये हमारे पास में लंब है और ये हमारे पास में कर्ण है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, आधार स्क्वायर बराबर, आधार हम निकालते हैं, तो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर मतलब कि 5 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब कि 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 25 में से 9 का कितना आ गया 16, तो 16 आ गया हमारा आधार का स्क्वायर, आधार स्क्वायर का मतलब बीसी का स्क्वायर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि इधर बीसी का स्क्वायर है और इधर 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 4 दुनी 4 चौक 16, तो स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, यानी बीसी की वैल्यू आ गई 4, तो 4 हमारे पास में क्या आ गया, 4 हमारे पास में आ गया आधार। तो हमारे पास में लंबे भी है, आधार भी है, कर्ण भी है, और हमें बाकी थीटा, हमें थीटा हमें पता है कि थीटा हमारा यहाँ पर बन रहा है, तो बाकी हमें चीज निकालनी है। तो बाकी हमें साइन के अलावा कॉस हमें निकालना है, तो कॉस थीटा कैसे आएगा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, आधार क्या है हमारा 4 और कर्ण क्या है 5, तो ये हमारा कॉस थीटा का आ जाएगा कि कॉस थीटा होगा 4/5। नेक्स्ट हम देखें टेन थीटा, टेन थीटा, टेन थीटा क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा 3 है और आधार क्या है 4 है, तो ये टेन थीटा हो जाएगा 3/4। उसके बाद में हम देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन थीटा को लगता होता है, तो कॉट थीटा हो जाएगा हमारा 4/3,
और sec थीटा हमारा cos थीटा का उल्टा होता है, तो sec थीटा हो जाएगा हमारा 5/4, और cosec थीटा sin थीटा का उल्टा होता है, तो cosec थीटा हो जाएगा हमारा 5/3। यानी हम क्या कह सकते हैं कि साइन का उल्टा होता है कुसेक, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा। जैसे उल्टा का मतलब क्या है कि कॉट थीटा का उल्टा, यानी 1/10 थीटा। उल्टा जब हमें करना होता है तो किसी चीज में 1 ऊपर रख देते हैं, जैसे कि 2 का अगर उल्टा हमें करना है तो 1/3 हो जाएगा, इस तरीके से। जैसे 2/3 है, उसका उल्टा हमें करना है, तो 2/3 को हम एक ऊपर रख दें तो ये 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा, 2 नीचे रह जाएगा, तो 3/2 आ जाएगा हमारे पास में। एक हमारा तरीका ये होता है कि मान लो एक संख्या है 3/2 और नीचे दिया हुआ है 5/4, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 3/2 और नीचे वाली संख्या है वो पलट जाएगी, यानी कि 4/5 हो जाएगी। तो ये एक होता है तरीका हमारे पास में। एक होता है कि ऊपर सिर्फ एक ही संख्या दी हुई है और नीचे दिया हुआ है 4/5, हमारे पास में आंसर 5/4। तो इसी कॉन्सेप्ट को हम यहाँ नेक्स्ट टर्म देखते हैं। अगला क्वेश्चन कि हमें जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है सेक थीटा का मान, यदि सेक थीटा है वो दिया हुआ है 13/12 और बाकी हमें निकालना है, यानी हमें जो ज्ञात करना है हमें 1 - tan थीटा डिवाइड बाई 1 + tan थीटा, ये हमें ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जैसे कि हमें ये पता है लाल बटे कक्का, यहाँ पर हम लिखते हैं साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉट थीटा, कॉस का सेक थीटा और साइन का कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। तो सेक थीटा कहां पर आ रहा है? यहां पर आ रहा है, यानी कक्का कर्ण हमें दे रखा है। यहां पर हम देखें लाल बटे कक्का से, तो एक कर्ण बटे आधार होता है सेक थीटा का मतलब। कर्ण बटे आधार, इसका मतलब क्या है? कर्ण हमें दिया हुआ है 13 और आधार दिया हुआ है 12, आधार 12 दिया करना है लंब। तो जैसे हम चित्र बना लेते हैं एक, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, कर्ण दिया हुआ है 13, नाम कुछ भी दे देते हैं हम, जैसे कि एबीसी नाम दे दिया हमने, ए आधार स्क्वायर,
यहाँ पे में 25 तो ये हमारी वैल्यू आ गई 25। अब क्या करते हैं हम, अब हम यहां पर देखें कारण और आधार। तो ये वैल्यू निकालनी है टेन थीटा की, क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा निकालना है। तो सबसे पहले हमें निकालनी है टेन थीटा की वैल्यू। तो टेन थीटा क्या होगा यहाँ पर, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। यहाँ पर हम देखें टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब क्या है यहाँ पर, लंब आया है जैसे कि ये लंब 25 आया है। लंब स्क्वायर मतलब कि लंब हमारा ये है ए बी, तो ये हो गया हमारा ए बी स्क्वायर 25 आया है। तो ए बी स्क्वायर अगर 25 है तो इसको हम बोल सकते हैं 5 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी ए बी का मान आ जाएगा 5। तो ए बी का मान हम 5 रख देते हैं, ये आ गया हमारा लंब। अब टेन थीटा जो होता है लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार मतलब कि 5 बटे आधार, आधार मतलब कि 12। तो ये होता है हमारा लंब बटे आधार। अब क्या करेंगे, लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, टेन थीटा आ गया। अब ये 5 बटे 12 है, हम इस सूत्र में लिख देते हैं, यानी कि 1 माइनस टेन थीटा कितना दे रखा है, 5 बटे 12। तो 5 बटे 12 आ जाएगा यहाँ पर, डिवाइड बाई 1 प्लस टेन थीटा का मान सूत्र क्या आया, 5 बटे 12। तो आगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 12 यहां पर एलसीएम ले लिया, 12 माइनस 5 ऊपर आ जाएगा, नीचे भी 12 हमने एलसीएम ले लिया और 12 प्लस 5 ऊपर आ जाएगा। अब क्या होगा, 12 से 12 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि तो दोनों नीचे की साइड है। तो सात बटे हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि कुसेक ए इक्वल टू 2 हो, यदि कुसेक ए इक्वल टू दे रखा है 2, तो हमें क्या निकालना है, कॉट ए, कॉट ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कॉस ए, हमें निकालना है 1 प्लस कॉस ए का मान का मान हमें निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम मान, जैसे कि कोसेक की वैल्यू 2a दे रखी है और ये हमारे पास में फार्मूला होता है, जैसे कि हमें पता है कि लाल बटे कक्का से हम निकालते हैं साइन कोस टेन, लाल बटे कक्का साइन थीटा, यानी साइन ए बोल देते हैं इसको, कॉस ए टेन ए, टेन का ए कॉस का उल्टा सेक ए और साइन का उल्टा कोसेक ए। तो हम ऐसे दो कोई भी मान ले सकते हैं जब वैल्यू कोसेक की वैल्यू 2 आ रही हो। तो हम मान लेते हैं कि कोसेक का मान है वो है कोसेक ए इक्वल टू, हम मान लेते हैं 2 कब आएगा, जब 6 में 3 का भाग देते हैं तब भी 2 आता है, और 10 में 5 का भाग देते हैं तब भी 2 आता है, छोटी से छोटी संख्या ले लेते हैं हम, 2 में 1 का भाग देते हैं तो भी हमारा 2 आता है। इसका मतलब कोसेक का फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटे लंब। तो ये है हमारा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण क्या हो गया यहां पर, ये 2 हो गया कर्ण,
और लंबे क्या हो गया, एक हो गया इस आधार पर। कर्ण 2 हो गया और लंब हो गया हमारा 1। अब हमें निकालना है आधार, तो आधार कैसे निकालेंगे? जैसे हम एक त्रिभुज बना देते हैं यहाँ पर, जिसमें कॉस 1 की वैल्यू, कोसेक 1 की वैल्यू 2 हो। कोसेक 1 की वैल्यू 2 हो मतलब कर्ण हमने 2 लिया है, और लंब हम मान लो 1 इसको ले रहे हैं, ये वाला लंब है, तो हम एंगल इसको मानेंगे एंगल ए, यानी कि ए, और ये बी है और ये सी है। तो इसके आधार पर जब हमें कोसेक ए निकालना होगा, तो ये हमारा क्या होगा, एक हमारा क्या है लंब, और ये हमारा आधार है नीचे। तो आधार हमें अब निकालना है, तो आधार की वैल्यू क्या आएगी? आधार कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर, कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, यानी 2 का स्क्वायर, माइनस लंब स्क्वायर, लंब की वैल्यू कितनी है 1 स्क्वायर। तो ये 2 का स्क्वायर कितना, 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, यानी कि 3 आ गया। ये आ गया आधार, आधार मतलब क्या है, बी ए का स्क्वायर, वी ए का स्क्वायर। तो बी ए की वैल्यू क्या होगी, इधर हम स्क्वायर करने, स्क्वायर अंडर रूट हम इसका निकाल नहीं सकते 3 का, 3। तो ये हो गया हमारा आधार, आधार क्या आया हमारा, अंडर रूट 3 आया। तो ये हमारा आधार हो गया। अब हमारे पास में आधार है, लंब है, कर्ण है, तो हम ये सूत्र में हम रख देते हैं वैल्यू। जैसे कॉट ए, कॉट ए की वैल्यू क्या होती है, कॉट ए की वैल्यू हम यहां से देखें, आधार बटे लंब, आधार बटे लंब मतलब आधार कितना है, रूट 3 है। और कर्ण कितना है, 2 है, डिवाइड भाई, और कर्ण कितना है हमारा, हो जाएगा 2। प्लस 1 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट, 2 प्लस अंडर रूट 3।
को हम अगर किसी भी संख्या को ऊपर नीचे बराबर नंबर से गुणा कर दिया तो ये एक ही आता है, और किसी संख्या को एक से गुणा करते हैं तो उसके मान में कोई परिवर्तन, तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी, आगे हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा अंडर रूट 3 प्लस ऊपर आ जाएगा 2 माइनस अंडर रूट 3, 2 माइनस अंडर रूट 3। अब हम यहां पर देखें कि जैसे इसको ए मान लेते हैं 2 को, इसको मान लेते हैं बी, इसको मान लेते हैं ए 2 को, और बी को रूट 3 को मान लेते हैं बी, यानी ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है। दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि नीचे मल्टीप्लाई हो रहा है, तो क्या आएगा, ए इंटू ए किया ए स्क्वायर आया, प्लस ए इंटू वी किया माइनस ए बी आया, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस ए बी। माइनस ए बी। अब हमने क्या किया, बी को ऐसे मल्टीप्लाई किया, प्लस आएगा प्लस बी ए, और माइनस बी को बी से मल्टीप्लाई किया, माइनस आ रहा है माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पर हम देखें ये माइनस ए बी है, ये प्लस ए बी है, आपस में कट जाएगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, और ए स्क्वायर माइनस बी आया। ए का मान हमने क्या माना है 2, और बी का मान हमने क्या माना है अंडर रूट 3, यानी ए स्क्वायर मतलब कि नीचे 2 का स्क्वायर आएगा यहां पर, और बी स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब कि अंडर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा, अंडर रूट 3 का स्क्वायर। तो यहां पर जब भी हम अंडर रूट की संख्या का स्क्वायर करते हैं तो उसका ऊपर से अंडर रूट हट जाता है, क्योंकि अंडर रूट का जो बेसिकली मतलब होता है, अंडर रूट का बेसिकली मतलब होता है, कोई भी संख्या का अंडर रूट है उसका बेसिकली मतलब होता है पावर 1/2 की, दो माइनस अंडर रूट 3। तो यहां पर ये प्लस का अंडर रूट 3 है, ये माइनस का अंडर रूट 3 है। आपस में तो इस तरीके से हम जितने भी प्रॉब्लम हैं प्रश्नावली के अंदर उन सबको हम सॉल्व कर लेंगे। तो इसके आधार पर हम प्रश्नावली जो 14.1 है उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर कहीं पर कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा है तो आप मुझे किसी भी तरीके सूचित कर सकते हैं, आपको वो क्वेश्चन है सॉल्व करवा दिया जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनापातों में परस्पर संबंध। त्रिकोणमिति अनुपातों में परस्पर संबंध, त्रिकोणमिति अनुपातों में परस्पर संबंध है। परस्पर संबंध है। जैसे हमारे पास में एक संबंध होता है, जैसे हम एक संबंध निकालते हैं इससे, एक हम त्रिभुज बना लेते हैं, ये इसका नामांकन हम कर देते, जैसे कि O हमने नामांकन कर दिया और P और M हमने नामांकन कर दिया, और ये हमने थीटा बना दिया। तो यहां पर हमें क्या है, एक रिलेशन दिया हुआ है, मान लीजिए कि जो साइन थीटा और कोसेक थीटा है दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो बन आता है,
साइन थीटा और कोसेक थीटा को, दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं बनाता है। इसका मतलब आपस में एक दूसरे के दोनों उल्टे होते हैं। अब यहां पर अगर हम साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? जैसे ये यहां पर कोण दिया हुआ है तो ये हमारा आधार हो जाएगा, यहां पर आधार हो जाएगा, ये हमारा लंब हो जाएगा, लंब, और ये हमारा कर्ण। देखें साइन थीटा का मान क्या होता है, जैसे लाल बटे कक्का से हम, अब हम ध्यान रह जाएगा कि लाल बटे कक्का, तो साइन थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण मतलब कि यहां पर हम देखें लंब हमारा क्या है, पीएम है हमारा लंब, और कर्ण क्या है हमारा, ओपी है, तो ओपी हमने लिख दिया। फिर कोसेक थीटा हम देखते हैं, तो यहां पर साइन होगा हमारा साइन थीटा और यहां पर होगा हमारा कोसेक थीटा। कोसेक थीटा, कोसेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे लंब। कर्ण बटे लंब मतलब कर्ण क्या है हमारा, ओपी है, और लंब क्या है हमारा, पीएम है। तो ये बन ही आएगा आपस में, कैसे आएगा बन, क्योंकि ओपी से ओपी कट जाएगा, पीएम से पीएम कट जाएगा, तो ये आ गया बन। यानी आपस में ये एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं। तो हम अगर हम निकालें तो कोसेक थीटा को नीचे डिवाइड कर सकते हैं, बन डिवाइड बाई कोसेक थीटा। कैसे, इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं कि 2 × 3 है इक्वल टू, मान लो 6 दे रखा है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 = 6/3, यानी 3 का हम भाग दे सकती है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं 3 = 6/2। तो दोनों को हम, जैसे कि 2 को हम मान लेते हैं कि साइन थीटा है, 3 को मान लेते हैं हम कोसेक थीटा, उसी के अनुसार यहां पर आ जाएगा कोसेक थीटा का मान क्या होगा, कोसेक थीटा का मान होगा, जैसे यहां पर ये निकालना है हमें, तो साइन को नीचे ले जाएंगे यानी साइन थीटा। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब दूसरा रिलेशन की बात करते हैं हम, कॉस थीटा और सेक थीटा इक्वल टू 1। अब आगे बात करते हैं हम, कॉस थीटा और सेक, कॉस थीटा सेक थीटा इक्वल टू 1। इसका मतलब क्या है, हम यहाँ से कॉस थीटा निकालें। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है हमारा, यहाँ पर हम देखते हैं लाल बटे कक्का से, यहाँ पर होता है हमारा कॉस थीटा और यहाँ पर होता है हमारा सेक थीटा, यानी कि कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या है, यहाँ पर ओ एम है हमारा, और कर्ण क्या है, यहाँ पर ओ पी है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया सेक थीटा, सेक थीटा क्या होता है, कर्ण बटे आधार, पर आधार क्या है हमारा, ओ एम है। तो ये हमारा वन ही आएगा, क्योंकि हम कह सकते हैं कि ओपी से ओपी कैंसिल आउट हो जाएगा, ओ एम से ओ एम कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का जो मान होता है वो सेक थीटा के व्युत्क्रम है, यानी कॉस थीटा का मान हम वन डिवाइड बाई सेक थीटा लिख सकते हैं, और सेक थीटा का मान है वो हम लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई कॉस थीटा।
नेक्स्ट हम देखें टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉट थीटा इक्वल टू 1। इसको हम सॉल्व करते हैं। तो टेन थीटा हमारा क्या होता है, जैसे कि हम इसमें देखें लाल वाले टिक्का में, यहां पर होता है हमारा टेन थीटा और यहां पर होता है हमारा कॉट थीटा। इसका मतलब टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब क्या है हमारा, पीएम है, और आधार है हमारा ओएम। मल्टीप्लाई किया, कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है ओएम है और लंब क्या है पीएम है, इक्वल टू 1 ही आएगा हमारा। क्यों आएगा, क्योंकि पीएम से पीएम कैंसिल आउट हो गया, ओएम से ओएम कैंसिल आउट हो गया। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर कि टेन थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, टेन थीटा। तो ये हो जाएगा यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपातों के बीच में संबंध है। अब हम क्या करते हैं, एक और रिलेशन देखते हैं टेन थीटा का मान। एक और रिलेशन होता है, यानी कुछ रिलेशन और स्पेशल हम देखते हैं इसी के आधार पर। टेन थीटा, टेन थीटा का सूत्र क्या होता है, एक टेन थीटा का जो सूत्र होता है वो होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। इसको हम देखते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, बटे कॉस थीटा। तो यहां पर हम देखें टेन थीटा क्या है, टेन थीटा इसके अंदर बेसिकली क्या आया है हमारा, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार। लंब क्या है पीएम, और आधार क्या है हमारा ओएम, तो ये आना चाहिए। अब साइन थीटा अगर हम निकालेंगे यहां से, तो साइन थीटा क्या आएगा, साइन थीटा आ जाएगा हमारा लंब बटे कर्ण। तो लंब क्या है यहां पर पीएम डिवाइड बाई, कर्ण क्या है ओपी डिवाइड बाई, क्योंकि साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है यहां पर, जैसे कि ये साइन थीटा है कॉस थीटा है, कॉस थीटा है हमारा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है ओ एम है, और कर्ण क्या है ये भी बटे में जाएगा, आधार बटे कर्ण है, और कर्ण क्या हो जाएगा ओपी। तो यहां पर हम देखें कि ओपी से ओपी कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मतलब पीएम डिवाइड बाई ओ एम, पीएम डिवाइड बाई ओ एम ही हमारा क्या है टेन थीटा है, पीएम डिवाइड बाई ओ एम। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेन थीटा का मान है साइन थीटा बटे कॉस थीटा होगा। और दूसरा हमें पता है कि टेन थीटा की, कॉट थीटा की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कॉट थीटा की वैल्यू 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, और टेन थीटा का मान हमने देखा है अभी क्या आता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होती है ये वैल्यू, इसका मतलब कॉस ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगी कॉट थीटा की वैल्यू कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये हमारा होता है कॉट थीटा, या हम इस तरीके से भी देख सकते हैं इसको, ये जो वैल्यू है
इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पर कि ये हमें कॉस थीटा दे रखा है। कॉस थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है? कॉस थीटा की वैल्यू हमें सिद्ध करनी है कि ये कॉस थीटा बटे साइन थीटा होती है, कॉस थीटा बटे साइन थीटा। वैसे हम देखें कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से देखेंगे हम, तो कॉस थीटा होता है हमारा आधार बटे लंब। आधार क्या है यहाँ पर? ओ एम है, और लंब क्या है? पी एम है। अब कॉस थीटा हम देखें, कॉस थीटा क्या है और करण क्या है? ओपी है। फिर साइन थीटा की देखें, साइन थीटा है लंब बटे आधार, लंब क्या है हमारा? पी एम है। कॉट थीटा, तो यहां से भी हम निकाल सकते हैं कॉट थीटा। नेक्स्ट हम देखते हैं यहां पर नेक्स्ट यहां पर देखें कॉन्सेप्ट, एक हमारे पास में ये कॉन्सेप्ट है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो यहां पर हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, तो इसमें हम क्या करेंगे, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे, यहां पर देखें लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से हम देखें, साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, यानी कि यहां पर साइन और यहां पर कॉस, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण। लंब लंब क्या है यहां पर? ये पी है, जैसे कि पी एम लंब है, तो पी एम का स्क्वायर। और कर्ण क्या है यहाँ पर? ओपी है, तो पी एम डिवाइड बाई ओपी का स्क्वायर हो जाएगा ये प्लस। कॉस स्क्वायर का मान क्या है? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है यहाँ पर? ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर, ओ एम डिवाइड बाई कर्ण, कर्ण का मान क्या है? ओपी, तो ओपी का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस ओपी का स्क्वायर, तो ये हम सिद्ध करके देखेंगे कि ये वैल्यू एक आ रही है या नहीं आ रही है। तो हम क्या करते हैं यहां पर, सबसे पहले दोनों को जोड़ने की कोशिश करते हैं। दोनों को जोड़ने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा पी एम स्क्वायर प्लस ओपी डिवाइड बाई ओपी स्क्वायर, अलग अलग हम कर दिया, यहां पर भी हमने किया, ओ एम स्क्वायर डिवाइड बाई ओपी स्क्वायर इक्वल टू वन सिद्ध करना है हमें, तो हम क्या करते हैं ओपी स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं नीचे की साइड। ओपी स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा पी एम स्क्वायर ऊपर की साइड प्लस ओ एम स्क्वायर। और पी एम स्क्वायर ओ एम स्क्वायर क्या है? पी एम हमारा लंब है और ओ एम हमारा आधार है, यानी लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर। बोधायन प्रमेय हमें पता है, सर्वद्विज समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं यहाँ पर, और ये पी है, ये एम है और ये ओ है, तो हमारा क्या होता है? ओ है ये, तो हमारा ये बोधायन प्रमेय है या पाइथागोरस प्रमेय वो है, वो कहती है कि ओपी स्क्वायर पी ओ स्क्वायर इक्वल टू एम ओ स्क्वायर या ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर। तो यहां पर क्या है, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर क्या होगा? ओपी स्क्वायर, और नीचे भी ओपी स्क्वायर है, इसका मतलब ओपी स्क्वायर से ओपी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या आ गया? वन। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन। एक और हम देखते हैं कि हम ये चेक करते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है?
sec स्क्वायर थीटा होता है, ये हम चेक करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है sec स्क्वायर थीटा, ये हम चेक करते हैं कि ये होता है या नहीं होता है। तो ये जब हम चेक करेंगे तो सबसे पहले हमें यहाँ पर पता होना चाहिए कि sec का मान क्या है और tan का मान क्या है। तो लाल वर्ग का से हम देखते हैं sec और tan का मान, tan का मान tan हमारा आ जाएगा यहाँ पर और sec हमारा कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। तो जैसे कि 1 प्लस टेन थीटा का मान क्या होता है, टेन थीटा का मान होता है लंब बटे आधा, लंब क्या है यहाँ पर पी एम, sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण क्या है हमारा ओपी, तो ओपी का स्क्वायर ओपी डिवाइड बाई आधार, कर्ण बटे आधार, आधार क्या है ओएम का स्क्वायर, ओएम इसका स्क्वायर हम कर देते हैं। तो क्या होगा यहां पर, ये वैल्यू हो जाएगी जैसे कि हम कर रहे हैं तो आगे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हम जैसे सॉल्व करें 1 प्लस पी एम स्क्वायर डिवाइड बाई ओ एम स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ओपी स्क्वायर डिवाइड बाई ओ एम स्क्वायर। ओ एम स्क्वायर यहां पर हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा पी स्क्वायर हमारा कर्ण है, आधार स्क्वायर मतलब ओ एम हमारा आधार है, प्लस लंब स्क्वायर लंब एम हमारा पी एम है। तो ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर प्लस पी एम स्क्वायर क्या हो गया ओपी स्क्वायर। तो यहां पर हो जाएगा ओपी स्क्वायर डिवाइड बाई ओ एम स्क्वायर, और यहां पर भी ओपी स्क्वायर डिवाइड बाई ओ एम स्क्वायर है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा हो सकता है। स्क्वायर थीटा हो सकता है यहाँ पर। एक और हम देखते हैं यहां पर दूसरा तरीका, कि हमें ये पता है इसको सिद्ध करने के लिए हम एक और तरीका देख लेते हैं, कि जैसे हमें पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, ये अभी हमने देखा था ऊपर। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसमें हम कॉस स्क्वायर थीटा का प्रत्येक टर्म में भाग दे सकते हैं, क्योंकि जब भी प्रत्येक टर्म में भाग दिया जाता है तो संख्या में परिवर्तन नहीं होता है। जैसे कि 6 है हमारा, 6 प्लस 4 इक्वल टू क्या होता है 10 होता है। अगर हम प्रत्येक संख्या में दो दो का भाग देते हैं तो ये बराबर होगी संख्या, जैसे कि 6 में 2 का भाग दिया 3 आया, 5 का मतलब हम भाग दे सकते हैं तो हमारी संख्या में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। तो हम प्रत्येक कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा, तो
तो ये क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, तो ये टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है वन, और यहाँ पर हम देखें वन डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ऐसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं कि वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अब हम देखते हैं एक टर्म वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल, वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमें चेक करना है कि होता है या नहीं होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। तो जैसे कि हमें पता है यहाँ पर हम क्या कर कोसेक थीटा, तो ये दोनों का मान हम रखने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। जैसे क्या होगा वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का मतलब क्या होता है आधार बटे लंब, आधार क्या है हमारा ओ एम, तो ओ एम का स्क्वायर डिवाइड बाई आधार बटे लंब, लंब क्या है यहाँ पर पी एम, तो पी एम का स्क्वायर इक्वल टू कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, कर्ण क्या है यहाँ पर ओपी, तो ओपी का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मतलब पीएम का स्क्वायर, पीएम का स्क्वायर, तो यहाँ पर हमने पीएम स्क्वायर कॉमन ले लिया, पीएम स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये पीएम स्क्वायर प्लस ओएम स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा ओपी स्क्वायर डिवाइड बाई पी एम स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर क्या होता है, पी एम स्क्वायर मतलब कि लंब स्क्वायर, लंब स्क्वायर, ओ एम स्क्वायर का मतलब होता है आधार स्क्वायर यहाँ पर क्योंकि आधार है, तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर क्या होता है कर्ण स्क्वायर, और कर्ण स्क्वायर का मतलब होता है ओपी स्क्वायर, इसका मतलब पी एम स्क्वायर प्लस ओ एम स्क्वायर होगा कर्ण स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर का मतलब है पीएम स्क्वायर यहाँ पर है, इसका मतलब हमारा ये फार्मूला सही है कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। अब एक और इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। अब हम क्या करते हैं प्रत्येक में साइन स्क्वायर थीटा का भाग देते हैं प्रत्येक टर्म में, तो साइन स्क्वायर थीटा का हमने भाग दिया, मान लो यहां पर भी साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, यहां पर भी हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, और यहां पर भी हमने साइन स्क्वायर थीटा का भाग दिया, साइन स्क्वायर थीटा ये हो गया वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा हो गया कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा क्या हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा, तो ये हमारा हो गया वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या है कि जैसे हमने लिखा साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन के स्क्वायर लगाएंगे फिर थीटा लिखेंगे, ऐसे हमें नहीं करना है एग्जाम में कि हमने लिख दिया साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे हमने कर दिया तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, हमें लिखना कैसे है ऐसे लिखना है साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये दोनों चीज अलग अलग है। यदि कॉस थीटा बराबर 5/13 हो
तो हमें निकालना है साइन थीटा टेन थीटा, साइन थीटा टेन थीटा मल्टीप्लाई का मान हमें त्रिकोणमिति संबंध से निकालना है, यानी कि हमें कारण आधार से नहीं निकालना है, त्रिकोणमिति संबंध से निकालना है। जो हमने त्रिकोणमिति संबंध अभी सीखा है उससे हमें निकालना है, त्रिकोणमिति संबंध से। तो कैसे निकालेंगे त्रिकोणमिति संबंध से हम? जैसे कॉस थीटा दे रखा है तो क्या होता है हमारे पास में, जैसे हमें पता है कि हमारे पास में साइन फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, वन होता है। इसका मतलब हम कर सकते हैं कि साइन थीटा का मान यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 5/13 दे रखी है, तो इसको 5/13 को स्क्वायर हम कर सकते हैं इक्वल टू वन। इसका मतलब हम इसका पक्षांतरण भी कर सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 - 5 का वर्ग 25 इधर ले जाएंगे तो, और 13 का वर्ग 169। अब 169 हमने एलसीएम ले लिया साइन स्क्वायर थीटा के लिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 169 हमने एलसीएम ले लिया, तो ये क्या आ जाएगा 169 - 25, 169 - 25 क्या आ जाएगा, 9 में से 5 गए तो 4, 6 में से 2 गए तो 4 और 1/169। इसका मतलब हम साइन थीटा का मान निकालेंगे, या साइन स्क्वायर थीटा हम यहाँ पर लिख देते हैं, 144 किसका वर्ग है, 12 का वर्ग, और 169 किसका वर्ग है, 13 का वर्ग। तो इन दोनों का वर्ग हमने कर दिया, पावर से पावर कैंसिल आउट हो गई, यानी कि साइन थीटा का मान आ गया हमारा 12/13। तो साइन थीटा का मान क्या आ गया हमारा, 12/13 आ गया। अब हमें निकालना है टेन थीटा का मान। टेन थीटा का मान क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान, टेन थीटा का मान होता है हमें पता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। साइन थीटा का मान कितना है, 12/13। कॉस थीटा का मान कितना दिया हुआ है, 5/13। इसका मतलब 13 से 13 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आ गया 12/5। तो टेन थीटा आ गया हमारे पास 12/5, दोनों को हम रख देते हैं यहाँ पर, यानी साइन थीटा आया है 12/13 और टेन थीटा का मान आया है हमारा 12/5। इसका मतलब फाइनल आंसर कितना आ गया हमारे पास में, 12/12 144। डिवाइड बाई 13 * 65, तो ये हमारे पास में 144/65 मल्टीप्लीकेशन पूछा है, और अलग अलग मान पूछा है तो अलग अलग मान, साइन थीटा का मान आ गया 12/13 नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें यहाँ पर, जैसे कि यदि टेन थीटा हमें √3 दिया हुआ है, यदि टेन थीटा का मान दिया हुआ है हमें √3, तो हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो निकालने हैं, और किससे निकालने हैं, शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें निकालने हैं त्रिकोणमितीय अनुपात, वो भी त्रिकोणमितीय संबंधों की सहायता से निकालने हैं, जो अभी हमने देखे हैं त्रिकोणमितीय संबंध, यानी लंब बटे कर्ण उनसे हमें नहीं निकालना है, त्रिकोणमितीय संबंध से हमें निकालने हैं, जो हमारे पास में फार्मूले हैं, यानी कौन कौन से हैं त्रिकोणमितीय संबंध के फार्मूले। हमारे पास एक फार्मूला है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा
इक्वल टू वन। एक फार्मूला है हमारे पास में 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला है हमारे पास में 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। इन फार्मूले का उपयोग करके हमें निकालना है सारे त्रिकोणमिति जो बाकी के हैं टेन थीटा के अलावा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं, ये फार्मूला हम लगाते हैं, बराबर 10 स्क्वायर थीटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मतलब √3 का स्क्वायर कर देंगे हम, इक्वल टू sec थीटा, sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है, 1 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 होगा सिर्फ, और ये आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा, यानी 4 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि sec थीटा का मान क्या आ गया, sec थीटा का मान आ गया हमारा 2, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या होगा, 2 होगा। अब हम देखते हैं कि sec थीटा हमने निकाल लिया है, क्योंकि हमारे पास में थीटा न्यून कोण है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जब थीटा न्यून कोण होगा, कुछ ये क्वेश्चन में दिया हुआ होगा कि थीटा न्यून कोण है, यहाँ पर थीटा न्यून कोण है, तो न्यून कोण के भी हमने संबंध देखे हैं त्रिकोणमिति संबंध, कि अगर न्यून कोण हो थीटा तो हम कह सकते हैं कि कॉस थीटा का जो मान होता है वो होता है 1 डिवाइड बाई sec थीटा। इसका मतलब आ जाएगा कॉस थीटा का मान 1/2। अब हम देखें कि एक होता है हमारे पास में sin थीटा, sin थीटा का मान होता है हमारे पास में sin थीटा इक्वल टू, हम निकाल सकते हैं sin थीटा इक्वल टू 10 थीटा को हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, 10 थीटा को cos थीटा से मल्टीप्लाई करके कैसे निकाल सकते हैं, क्योंकि 10 थीटा जो होता है हमारे पास में वो होता है sin थीटा बटे cos थीटा, और इसको हम cos थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, इसका मतलब cos थीटा से cos थीटा कट जाएगा, sin थीटा आ जाएगा हमारे पास में, यानी इससे हम निकाल सकते हैं 10 थीटा का मान क्या है, √3 है, और cos थीटा का मान क्या है, 1/2 है, यानी 2 नीचे चला जाएगा, तो √3/2 आ जाएगा sin थीटा का मान। अब हम निकाल सकते हैं cosec थीटा का मान, cosec थीटा का मान क्या होता है, 1 डिवाइड बाई sin थीटा, जब न्यून कोण दिया हुआ हो तो cosec थीटा का मान होगा 1 डिवाइड बाई sin थीटा। इसका मतलब क्या है कि cosec थीटा का मान हो जाएगा उसका उल्टा, cosec थीटा का मान हो जाएगा 2 डिवाइड बाई √3, 2 डिवाइड बाई √3। अब क्या बचा है हमारे पास में, सिर्फ cos आ गया हमारे पास में, अब हम निकालेंगे cot थीटा, तो cot थीटा का फार्मूला क्या होता है, 1 डिवाइड बाई tan थीटा, जब न्यून कोण दिया हुआ हो 1 डिवाइड बाई tan थीटा, तो cot थीटा का मान आ जाएगा यहाँ पर cot थीटा इक्वल टू 1 डिवाइड बाई tan थीटा का मान क्या है, √3, तो 1 डिवाइड बाई √3। तो ये सारे मान हम इस तरीके से निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें, कि हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, कोसेक ए का मान दे रखा है √10, COSEC, कोसेक ए का मान दे रखा है हमें √10, और हमसे पूछा है शेष त्रिकोणमितीय अनुपात, संबंधों की सहायता से पूछा है, तो यहां पर कोसेक थीटा का मान दे रखा, कोसेक ए का मान दे रखा है √10, हमें पूछा है कि इसकी सहायता से थीटा, हमें न्यून कोण दिया हुआ है, थीटा न्यून कोण है, और इसकी सहायता से हमें कॉट ए निकालना है और साइन ए निकालना है और कॉस ए निकालना है,
वो भी त्रिकोणमितीय संबंधों से हमें निकालना है, त्रिकोणमितीय संबंधों से, यानी कि लंब कर्ण आधार से नहीं निकालना है, त्रिकोणमितीय संबंधों से हमें निकालना है। तो त्रिकोणमितीय संबंध हमारे पास तीन ही है, कौन कौन से हैं? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, एक फार्मूला ये काम आता है हमारा। एक होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक होता है वन प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कौन सा फार्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जिस स्क्वायर थीटा, तो यहां पर निकालें कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या हो जाएगा? कॉट स्क्वायर थीटा का मान कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा कॉट थीटा की वैल्यू हो गई 3। अब कॉट हमारे पास में आ गया है, तो यानी कि कॉट ए का मान हमारे पास में आ गया है ये। अब कॉट ए का मान हमारे पास में आ गया है, तो बाकी हम निकाल सकते हैं। जैसे कि हमें निकालना है साइन ए का मान, ये हमारा मान, कॉट ए का मान आ गया यहाँ पर 3। अब हम निकालते हैं साइन ए का मान। तो साइन ए का मान क्या होता है? साइन ए का मान होता है वन डिवाइड बाई कोसेक ए, जब थीटा न्यून कोण दिया हुआ हो। इसका मतलब ये है कि साइन ए का मान होगा हमारा वन डिवाइड बाई रूट टेन। तीसरा पूछा है हमारा कॉस ए, तो कॉस ए का मान क्या होता है? कॉस ए का मान हम निकाल सकते हैं कॉट ए इन टू साइन ए से, साइन ए से। क्यों? क्योंकि कॉट ए होता है हमारा कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए, और ये यहां पर आगे साइन ए है हमारा, यानी कि साइन ए से साइन ए कैंसिल आउट हो गया, तो ये क्या बच गया? कॉस ए बच गया सिर्फ। तो ये हमारा कॉस ए हो जाएगा। इसका मतलब कॉट ए की वैल्यू क्या आई हमारी? कॉट ए की वैल्यू आई है 3, और साइन ए की वैल्यू क्या आई है? साइन ए की वैल्यू आई है 1/√10, यानी कि 3/√10। ये हमारा आंसर हो जाएगा, 3/√10 ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट हम देखें, एक क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि सेक ए हमारा पास में दे रखा है 17/8, यदि सेक ए इक्वल टू दे रखा है 17/8, 17/8, तो हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात है उनको संबंधों की सहायता से निकालना है। थीटा यानी कि हमारा सेक थीटा की वैल्यू दे रखी है ये 17/18, 17/8, और थीटा दे रखा है यहां पर न्यून कोण, न्यून कोण। तो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात हमें त्रिकोणमितीय संबंधों से निकालने हैं, शेष त्रिकोणमिति अनुपात त्रिकोणमिति संबंधों से निकालने हैं, त्रिकोणमिति संबंधों से। कैसे निकालेंगे हम? जैसे कि ये सेक दे रखा है, तो इसमें हम कौन सा संबंध लगाएंगे? इसमें हम लगाएंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेन स्क्वायर थीटा का मान ये होगा सेक स्क्वायर थीटा -1, क्योंकि हमने पक्षांतरण कर दिया है। इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा मतलब कि 17 का स्क्वायर, 17 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर -1। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 289 डिवाइड बाई 8 का स्क्वायर होता है 64 -1, यानी 64 हमने कॉमन ले लिया, नीचे एलसीएम ले लिया, तो ये हो जाएगा 289 माइनस के 64 डिवाइड बाई 64। तो 9 में से 4 गए तो 5, तो 9 में से 4 गए तो 5 आ गया, 8 में से 6 गए तो 2 आ गया, और ये 2 है ये यहाँ पर, यानी 225 डिवाइड बाई 64। 225 डिवाइड बाई 64 का अगर हम वर्गमूल निकालें तो ये क्या आएगा? ये आएगा हमारा 225 का वर्गमूल आता है 15, यानी कि हमारे पास में जो टेन थीटा है वो आ जाएगा 15 डिवाइड बाई, तो ये हमारे पास में टेन आ गया है। अब हमें निकालना है बाकी के, जैसे कि हमें निकालना है कॉस सेक दे रखा है, तो कॉस हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, कॉस थीटा डायरेक्ट हमारा आ जाएगा 1 डिवाइड बाई सेक थीटा से, वन डिवाइड बाई सेक थीटा, वन डिवाइड बाई सेक थीटा से हम निकालेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ गई? 8/17। अब हम क्या करते हैं, कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है? 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, तो ये आ जाएगा कॉट थीटा की वैल्यू 1 डिवाइड बाई टेन थीटा, यानी कि 8/15। नेक्स्ट हम देखें, कॉट थीटा हो गया, टेन थीटा हो गया और कॉस थीटा हो गया हमारे पास में। अब हम निकालें साइन थीटा, साइन थीटा, साइन थीटा का मान हो गया हमारे पास में टेन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा कॉस थीटा क्यों हो गया? क्योंकि कॉस थीटा का मान होता है हमारा साइन, साइन टेन थीटा का मान होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और आगे हमारा कॉस थीटा यानी कॉस थीटा से कॉस थीटा काट देंगे तो यही होता है हमारा मान, टेन थीटा और कॉस। थीटा का मान क्या बच रहा है? कोसेक थीटा बच रहा है, तो कोसेक थीटा का मान क्या आ जाएगा? 1 डिवाइड बाई साइन थीटा, कोसेक थीटा का 17 डिवाइड बाई 15। तो इस तरीके से हमने सारे मान यहां पर निकाल लिए हैं। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि यदि साइन थीटा का मान हमें दिया हुआ है, कोई इक्वेशन हमें दी हुई है साइन थीटा के मान में, यदि साइन थीटा का मान है वो दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, हमें कॉस थीटा और टेन थीटा के मान हैं वो हमें निकालने हैं, यानी थीटा यहाँ पर न्यून कोण दे रखा है, न्यून कोण, और हमें निकालना, और टेन
साइन थीटा का मान। तो हम कौन सी प्रमेय इसमें अप्लाई कर देते हैं, कौन सा फार्मूला हम अप्लाई कर देंगे इसमें? हम इसमें अप्लाई कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये फार्मूला हम अप्लाई करते हैं यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यानी हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो क्या आ जाएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पक्षांतरण हमने कर दिया। इसका मतलब क्या है कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है कि हम इसका स्क्वायर कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का इस होल स्क्वायर कर दिया हमने, डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर कर दिया। तो जैसे ही हम इसको खोलेंगे यहाँ पर तो क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर कॉमन ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यहां पर माइनस आएगा। माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम खोलते हैं, पहले क्या है, ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर को इससे खोले हम, ए प्लस बी ए प्लस बी, यानी कि ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए किया, बी ए आ गया, ए इंटू बी किया, ए बी आ गया, और बी इंटू बी किया, बी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है। इस फार्मूले को हम यहाँ पर लगा देते हैं, तो जैसे ही इस फार्मूले को हम लगाएंगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, ये वैल्यू नीचे रख लेते हैं हम इस फार्मूले को अप्लाई करके, यानी कि सबसे पहले ए का स्क्वायर, तो ए का स्क्वायर मतलब कि ए की पावर 4 हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर यानी बी की पावर 4 हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, माइनस का साइन रख दिया हमने, माइनस बी ए और फिर बी इंटू ए बी और प्लस बी स्क्वायर, इसका मतलब ए की पावर 4, और जो प्लस बी स्क्वायर है लेकिन माइनस पहले है, यानी प्लस बी स्क्वायर यानी बी की पावर 4 माइनस 2ab, माइनस 2ab का मतलब क्या है, 2 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और नीचे हम रख देते हैं जो वैल्यू हमारे पास में है। क्या वैल्यू है हमारे पास में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां पर साइन चेंज करते हैं, यानी कोष्टक को हम हटा देते हैं और माइनस का प्लस कर देते हैं, तो कोष्टक जैसे ही हटाएंगे तो पहला तो माइनस आएगा, दूसरा भी माइनस आएगा यहाँ पर, और तीसरा हो जाएगा प्लस, यानी ये हो जाएगा हमारा प्लस। तो जैसे ये ए की पावर 4 माइनस का है, ये प्लस का है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बी की पावर 4 प्लस का है, ये माइनस का है, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 2 और 2 4, यानी 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये होता है हमारा इसका मान, कॉस स्क्वायर थीटा का मान आया ये, कॉस स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम कॉस थीटा का मान निकालें तो कॉस थीटा का मान क्या आ जाएगा यहाँ पर, कॉस थीटा का मान आ जाएगा हमारा, 4 का अंडर रूट निकालेंगे तो 2 आएगा, ए स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो ए आएगा, बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो बी आएगा, और नीचे ए प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर स्क्वायर, तो ये हमारा आ गया कॉस थीटा का मान। अब हमसे पूछा है एक दूसरा टेन थीटा का मान, जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है हमसे टेन थीटा का मान, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि साइन थीटा कॉस थीटा के मान हमारे पास में है तो इससे हम टेन थीटा का मान निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पर कि साइन थीटा की जो वैल्यू दी हुई है यहाँ पर क्वेश्चन में, जो दी हुई है साइन थीटा की वैल्यू वो दी हुई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब टेन थीटा का हम फार्मूला लगाएं तो टेन थीटा का फार्मूला क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। तो साइन थीटा का मान दिया हुआ है ए माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा का फॉर्मूल जो मान आया हमारा वो आया है 2 AB डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कट जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, फाइनल आंसर आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइड बाई 2 AB, तो ये हमारा टेन थीटा हो गया। तो इसके आधार पर हम जो प्रश्नावली है 14.2 वो हम कंप्लीट सॉल्व कर सकते हैं इन प्रश्नों के और कॉन्सेप्ट के आधार पर। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा आपसे तो आप अगर मुझे सूचित करेंगे तो मैं आपको उसको सॉल्व करवा दूंगा। उसके बाद में हम देखते हैं कि त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण त्रिकोणमितीय सर्व समीकरण, सर्व समीकरण। तो त्रिकोणमितीय जो सर्व समीकरण है इनमें हमें सत्य करना होता है, यानी कि जो लेफ्ट में हमें लिखा होगा वो राइट में जो लिखा है उससे हमें सिद्ध करना होता है। जैसे कि हम एक क्या है क्वेश्चन ले लेते हैं, या कुछ इसके रूल हैं वो मैं आपको बता देता हूं। जो जटिल समीकरण दिया हुआ है वो हमें सॉल्व करना है, ज्यादातर जटिल समीकरण को पहले सॉल्व करना है। दूसरा, हमें यहाँ पर सूत्रों का प्रयोग करना है, त्रिकोणमिति के जो सूत्र हैं परिवर्तन करने के उनका हमें प्रयोग करना है, त्रिकोणमिति सूत्रों का हम प्रयोग करेंगे। तीसरा, अगर किसी वजह से
एक पक्ष दूसरे पक्ष से बराबर नहीं आ रहा है, तो हम दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करेंगे। तो तीनों तरीके से हमें ये सॉल्व करना है, दोनों पक्षों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, अलग अलग सॉल्व करेंगे। सॉल्व को हम हिंदी में कहते हैं, मान लीजिए कि समाधान करेंगे, समाधान करेंगे या फिर हल करेंगे। तो हम देखते हैं पहले कि मान लीजिए एक समीकरण हम देख लेते हैं। एक दिया हुआ है हमें, सर्वसमिका सिद्ध करनी है, सिद्ध करना है हमें कि sec थीटा प्लस cos थीटा, sec थीटा प्लस cos थीटा है sec थीटा माइनस cos थीटा, यानी एक बार प्लस एक बार माइनस, ये इक्वल टू टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा के, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि इधर तो दो ही टर्म दी हुई है, तो हम क्या लेंगे इस वाले टर्म की, दो पक्ष होते हैं इसमें, जो हमारा बायां हाथ होता है उसे हम बोलते हैं बाम पक्ष, जो बायां हाथ की तरफ, यानी कि बाम पक्ष को बोलते हैं एल एच एस, लेफ्ट हैंड साइड। दूसरा होता है दाम पक्ष, या फिर बोलते हैं उसको दाया पक्ष या फिर दक्षिणा पक्ष, दाम पक्ष दाया पक्ष या फिर दक्षिणा पक्ष, इसको बोलते हैं आर एच एस, यानी राइट हैंड साइड। तो एक हम लेते हैं, सबसे पहले ली ये हमने बाम एंड साइड, तो ये क्या है, ए प्लस बी है, ये है ए माइनस बी। तो हमें ये पता होना चाहिए कि ये ए प्लस बी और ए माइनस बी को जब गुणा करते हैं तो आता है हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जैसे कि सॉल्व करके देख लेते हैं क्या है, और बी इंटू बी माइनस बी स्क्वायर, यानी ये हमारा प्लस का है, ये हमारा माइनस का कट गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ गया। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ए का स्क्वायर मतलब कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस बी का स्क्वायर मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा। अब हम क्या करेंगे यहां पर, अब जैसे होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा को बोलते हैं सेक स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास फार्मूला होता है, माइनस जो कॉस स्क्वायर थीटा है। जैसे हमारे पास में दो प्रमेय है, हमारे पास में दो फार्मूले हैं हमारे पास में यहाँ पर, पहला है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने काम ले लिया है। दूसरा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन, ये हम काम में अभी लेंगे क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा की जगह हम लिख सकते हैं वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। इसका मतलब हम इसको फाइनली सॉल्व करें तो ये आ जाएगा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस वन, और माइनस कोष्टक के बाहर माइनस है तो ये साइन चेंज हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या हो जाएगा माइनस वन से प्लस वन कट जाएगा और आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यही हमें सिद्ध करना था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है हमारी, ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, यानी हम लिख सकते हैं कि एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू आर एच एस साइड, यानी राइट हैंड साइड, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। दूसरा हम एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि
क्वेश्चन दिया हुआ है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, यानी सिद्ध हमें करना है। सिद्ध करना है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा। कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा दूसरा क्वेश्चन है। साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, एक है सेक थीटा माइनस कॉस थीटा। सेक थीटा माइनस कॉस थीटा और एक है टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू है वन। तो ये है कोसेक थीटा माइनस साइन थीटा, सेक थीटा माइनस कॉस थीटा, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू वन। तो ये कोसेक थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पर वन डिवाइड बाई साइन थीटा, यानी एल एच एस हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड सबसे पहले, क्योंकि एक को तो हम इसके बराबर सिद्ध नहीं कर सकते, तो पहले एल एच एस ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो कोसेक थीटा हो गया वन बाय डिवाइड बाई साइन, ये हो गया हमारा साइन थीटा। दूसरा हम सॉल्व करते हैं, सेक थीटा को लिख सकते हैं वन डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा। टेन थीटा को लिख सकते हैं हम वन डिवाइड बाई कॉट थीटा, या फिर इस तरीके से साइन बदल देते हैं सारे को, हम टेन थीटा को लिख देते हैं साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाई कॉस थीटा, ताकि वो एक की तरफ बढ़ने के साथ ज्यादा हो जाएंगे। साइन थीटा कॉस थीटा बदल देंगे तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल टू वन। अब हम क्या करें, साइन थीटा कॉमन ले लिया तो ये आ जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये आ गया। यहां पर हमने एलसीएम ले लिया कॉस थीटा, तो ये आ जाएगा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और साइन थीटा, तो भी यहां पर क्या आ जाएगा, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा ऊपर। यानी ये हम कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू वन होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आ गया कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा। तो नीचे हम देखें, यहां पर साइन थीटा है, यहां पर कॉस थीटा है, यहां पर कॉस थीटा है, यहां पर साइन थीटा है, तो नीचे हो जाएगा हमारा दो बार साइन थीटा आ रहा है, हमारा दो बार कॉस थीटा आ रहा है, यानी साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा।
नीचे की साइड, और यहाँ पर हम देखें कि वन प्लस कॉसेस, वन माइनस कॉसेस का थीटा क्या होता है, ये पर होगा साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगी हमारी साइन स्क्वायर थीटा। तो फाइनली हमारे पास में क्या बचेगा, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इससे तो ये कट जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कट गया, यानी फाइनली हमारे पास में क्या आ गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान वन होता है। तो ये हमारा एल एच एस है वो आर एच एस के बराबर सिद्ध हो गया है, लेफ्ट हैंड साइड है साइड के बराबर सिद्ध हो गई है। तो यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखें, नेक्स्ट एक क्वेश्चन लेते हैं कि क्वेश्चन है हमारे पास में अंडर रूट 6 स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, 6 स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा ये इक्वल टू दिया हुआ है 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, 10 थीटा प्लस कॉट थीटा, ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, यहां पर हैं, हमें दो सूत्र पता है कि 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा होता है 6 स्क्वायर थीटा, यानी सबसे पहले हम एल एच एस ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड के बराबर इसको हम सिद्ध करते हैं राइट हैंड साइड को। तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा 6 स्क्वायर थीटा होता है, और एक होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। इन दोनों सूत्रों को हम यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं, जैसे कि अंडर रूट में 1 प्लस 6 स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया हमने 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, और प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह लिख दिया हमने 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां पर क्या होगा, हम यहां पर ये कह सकते हैं कि ये जो मान है वो हो जाएगा हमारा अंडर रूट 10 स्क्वायर थीटा, 10 स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 और 1 2 हो गया। अब हम क्या करेंगे यहां पर, जैसे हमें पता है कि ए प्लस बी का जो फार्मूला टू ए वी, लेकिन यहां पर ये क्या है, ये कोसेक थीटा नहीं होगा, यहां पर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है, ये कोसेक नहीं होगा, ये कॉट होगा। यहां पर ये कॉट होगा, क्योंकि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहां पर एक कॉट होगा कॉट स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी एक कॉट होगा कॉट स्क्वायर थीटा। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि टेन और कॉट का जो मान होता है वो 1 होता है, क्यों, टेन थीटा इक्वल टू होता है 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा। तो हम टेन की जगह 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा लिख सकते हैं, मान लो 10 थीटा और कॉट थीटा, कॉट थीटा की जगह हमने लिख दिया 10 थीटा, तो 10 थीटा और 10 कॉट थीटा की जगह लिख दिया हमने 10 थीटा, तो 10 थीटा से 10 थीटा कट गया, यानी 1 आ गया। इसका मतलब ए हमारा यहाँ पर
टेन थीटा है और बी हमारा कॉट थीटा है। तो ये ए प्लस बी का फार्मूला हम लगा देते हैं, इसको हम मान लेते हैं ए, इसको मान लेते हैं बी, और ये हो जाएगा यहाँ पर 2 tan थीटा cot थीटा, यानी ए बी tan थीटा cot थीटा। इससे हम कंपेयर करते हैं इसको, तो ये अंडर रूट में हो जाएगा हमारा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर। और जब होल स्क्वायर में बाहर निकालेंगे तो बाहर क्या निकल के आएगा, सिर्फ निकल के आएगा tan थीटा प्लस cot थीटा, और यही हमें सिद्ध करना था, tan थीटा प्लस cos थीटा। इसका मतलब हमारा लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल सिद्ध हो गया, तो यही हमें यहाँ पर सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम। एक क्वेश्चन दिया हुआ है अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस cos थीटा, 1 माइनस cos थीटा, ये इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कोसेक थीटा। बराबर हमें सिद्ध करना है, तो कैसे सिद्ध करेंगे? सबसे पहले ऐसे अगर क्वेश्चन में वर्गमूल दिया हुआ है, सबसे पहले हम वर्गमूल को हटाएंगे। वर्गमूल हटाने का क्या मेथड है कि हम इसके संयुग्मी से गुणा कर देते हैं। संयुग्मी क्या होता है यहाँ पर? संयुग्मी होता है जो नीचे वाली जो संख्या दी हुई है, जैसे कि 1 माइनस cos थीटा दी हुई है, तो 1 प्लस cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी अंडर रूट में 1 प्लस cos थीटा से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो संयुग्मी से गुणा हम कर हैं 1 प्लस, तो हम सॉल्व करें यहां पर, जैसे कि ये हो जाएगा अंडर रूट LHS हमने लिया लेफ्ट हैंड साइड हैं। कैसे कि मान लीजिए अगर हम वही कोई संख्या दे रखी है अंडर रूट में 16 डिवाइड बाई अंडर रूट में 4, तो ये क्या आता है फाइनली, अंडर रूट में 4 आएगा। अंडर रूट में 4 का मान फाइनली क्या आता है? 2 आता है। हम इसको अलग अलग अंडर रूट लिख सकते हैं, जैसे कि अंडर रूट 16 ऊपर लिखा हमने, अंडर रूट 4 नीचे लिखा। अंडर रूट 16 का मान कितना होता है? 4। अंडर रूट 4 का मान कितना होता है? 2। तो फिर भी हमारा आंसर 2 ही आएगा। इसका मतलब हम अगर पूरी भिन्न पर अंडर रूट लगा हुआ है पूरी है, तो इस अकॉर्डिंग हमने अलग अलग पर वर्गमूल लगा दिया। अब हम संयुग्मी से गुणा करते हैं। संयुग्मी क्या होता है? यहां पर जो संख्या दी हुई है इसका साइन चेंज करके ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, यानी कि यहां पर दिया हुआ 1 माइनस cos थीटा, तो यहां पर लिख देंगे हम 1 प्लस cos थीटा। ये हमें ध्यान रखना है, हमने ये संख्या यहां नहीं उठाई है, हमने इसका विपरीत चिन्ह लिया है, नीचे वाली जो संख्या है इसका विपरीत चिन्ह लिया है, डिवाइड बाई अंडर रूट 1 प्लस cos थीटा। तो यहां पर हम देखें कि जो ऊपर वाली संख्या है दोनों सेम है, इसका मतलब वर्गमूल ऊपर वाली संख्या से हट जाएगा, तो ऊपर वाली संख्या रहेगी हमारी सिर्फ 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा, और नीचे वाली संख्या है ये क्या हो गई यहां पर, ये ए प्लस बी है, ये ए माइनस बी है, और ए माइनस बी को जब भी हम गुणा करते हैं तो क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है, ए स्क्वायर माइनस बी। इसका मतलब हम कह सकते हैं यहां पर
कि जो वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए की वैल्यू 1 माइनस बी स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, और अंडर रूट से अंडर रूट है वो तो कैंसिल आउट हो ही जाएगा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में सही होंगी से जैसे ही हम गुणा करेंगे यहां पर। अब क्या करें हम कि जो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है इसको हम इससे बदलेंगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है हमारे पास में 1। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। तो ये अलग अलग हम भाग दे देंगे, अलग अलग भाग क्यों दे देंगे, जैसे कि हमें कोई संख्या दी हुई है 6 प्लस 4 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा ये 10 डिवाइड बाई 2 यानी कि 5 आएगा। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 6 में 2 का भाग दिया, अलग अलग भाग दे सकते हैं 4 में 2 का भाग दिया तो भी क्या आएगा, 6 में 2 का भाग दिया 3 आएगा, 4 में 2 का भाग दिया 2 आएगा, तो फिर भी 5 आएगा, यानी हम अलग अलग भाग दे सकते हैं। इसका मतलब क्या है, 1 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा कर सकते हैं प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, या फिर हम बोलें कि जो वैल्यू है यहाँ पर जैसे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है ये अंदर तो क्या होगा, ये आएगा और ये हमारा हो जाता है 1 प्लस कॉस थीटा, सेम संख्या है। नीचे वाली जो संख्या है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा जो हमने मल्टीप्लाई किया है ए माइनस बी, इसके अंदर हमारा कि जो अंडर रूट से अंडर रूट संख्या हमने गुणा की है तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और कॉस स्क्वायर कॉस कॉस इंटू कॉस करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा यहाँ पर, तो ये आएगा हमारा 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू है हमारी 1 प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर आएगी, कॉस स्क्वायर थीटा नहीं आएगी, कॉस थीटा का होल स्क्वायर आएगी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे। और नीचे जो संख्या है इसका जैसे 1 ए माइनस बी है, ये ए है हमारा, ये बी है, ये ए है, ये बी है, इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आएगी। यहाँ पर जो वर्गमूल होगा हमारा तो वर्गमूल से जब हम सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू 1 थीटा, और यहाँ पर क्या होगा साइन स्क्वायर थीटा जब होती है तो इसका वर्गमूल हम लेंगे तो सिर्फ यहाँ पर साइन थीटा ही आएगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा नहीं आएगा, तो ये साइन थीटा। तो इसका मतलब हमारा ये प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा, तो ये क्या हो गया 1 डिवाइड बाई साइन थीटा होता है हमारा कोसेक थीटा, तो ये कोसेक थीटा आ गया प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा होता है टेन थीटा, यही हमें सिद्ध करना था, कोसेक थीटा प्लस टेन थीटा, तो आर एच एस बराबर एल एच एस हमारा सिद्ध हो गया, कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा, यही हमें सिद्ध करना था। नेक्स्ट हम देखें एक क्वेश्चन, जैसे कि क्वेश्चन हमें दिया हुआ है सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये हमें सिद्ध करना है 1 माइनस टू
sec थीटा tan थीटा, स्क्वायर थीटा, इसके बराबर हमें सिद्ध करना है। तो कैसे सिद्ध करते हैं हम? यहां पर हम LHS ले लेते हैं पहले। LHS में जैसे लेंगे तो sec थीटा को लिख सकते हैं हम 1 डिवाइड बाय cos थीटा, क्योंकि cos sec और tan की टर्म में ले जाना है, यानी हम cos की टर्म में ले जा सकते हैं, sin cos की टर्म में ले जाते हैं। तो sec को हम बदलते हैं 1 डिवाइड बाय cos थीटा, माइनस tan थीटा को हमने बदल दिया sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। नीचे करें कि sec थीटा को हमने बदल दिया 1 डिवाइड बाय cos थीटा, 1 डिवाइड बाय cos थीटा, प्लस tan थीटा को बदल दिया हमने sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा। तो यहां पर क्या होगा, हम ऊपर cos थीटा कॉमन ले सकते हैं, यहां पर हमने ले लिया cos थीटा कॉमन। cos थीटा जैसे कॉमन लेंगे तो 1 माइनस sin थीटा हो जाएगा ऊपर की साइड, 1 माइनस sin थीटा। नीचे भी हम cos थीटा कॉमन ले लेंगे, यहां पर cos थीटा कॉमन ले लिया तो ऊपर हो जाएगा, अब इससे आगे हम कुछ सॉल्व कर नहीं सकते इसको, तो इसको हम यहीं छोड़ देते हैं कि LHS हमारा ये आया। अब RHS को सॉल्व करते हैं। tan थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा, किसके बराबर ले आते हैं, किसके बराबर, 1 माइनस sin थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस साइन थीटा, जो कि LHS की वैल्यू हम लेके आए हैं। तो हम कह सकते हैं इसको सॉल्व करें इसके बराबर, तो क्या होगा, 1 माइनस और tan थीटा को लिख देते हैं हम sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा, sin थीटा डिवाइड बाय cos थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा, sin स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा। अब आगे हम देखें, आगे क्या होगा, सब में हम cos स्क्वायर थीटा सबसे पहले कॉमन ले लेते हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा हमने सब में सबसे पहले cos स्क्वायर थीटा, जैसे कि यहां पर cos थीटा है, cos थीटा है, यानी ये cos स्क्वायर थीटा ही है। यहां पर हम देखें 1 से cos स्क्वायर थीटा को मल्टीप्लाई करें तो cos स्क्वायर थीटा आएगा, तो cos स्क्वायर थीटा आ गया, माइनस 2, यहां पर cos स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब सिर्फ sin थीटा आएगा, 2 tan sin थीटा, तो 2 sin थीटा हो गया, प्लस यहां पर हम देखें cos स्क्वायर थीटा पहले से दिया हुआ है, इसका मतलब 2 sin स्क्वायर थीटा आएगा,
अब इस जो ये 2 sin² थीटा आया है हमारा, इसमें हम क्या करते हैं, 2 sin² थीटा में से 1 sin² थीटा हम बाहर ले लेते हैं, यानी कि ये हो जाएगा cos² थीटा प्लस sin² थीटा माइनस 2 sin थीटा प्लस 2 sin² थीटा में से 1 sin, ये वाला लिख दिया, तो सिर्फ 1 sin² थीटा लिखेंगे यहां पर, 1 sin² थीटा डिवाइड बाई cos² थीटा, cos² थीटा। अब क्या करें हम, यहां पर देखें कि ये जो वैल्यू आई है हमारी cos² थीटा प्लस sin² थीटा क्या होता है, 1 होता है, तो ये 1 रख दिया हमने, माइनस 2 टाइम्स sin थीटा दे रखा है और प्लस sin² थीटा दे रखा है, डिवाइड बाई नीचे जो cos² थीटा दे रखा है इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा। अब ये जो फार्मूला है ये किसका फार्मूला है हमारा, ये हम कह सकते हैं कि 1 माइनस sin थीटा के होल स्क्वायर का ये फार्मूला है, क्योंकि ये ए है ये बी है, ए का स्क्वायर मतलब कि 1 प्लस बी का स्क्वायर मतलब कि sin² थीटा प्लस माइनस है तो माइनस 2ab मतलब कि sin थीटा। ये हम कह सकते हैं कि ये 1 माइनस sin² थीटा का फॉर्मूला है। नीचे हमारा आ रहा है 1 माइनस sin² थीटा, 1 माइनस sin² थीटा को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 1 का स्क्वायर माइनस sin थीटा। का स्क्वायर sin थीटा प्लस प्लस नहीं गो मल्टीप्लाई में आएगा 1 प्लस sin थीटा, यानी एक बार वन माइनस साइन थीटा इस तरीके से लिख सकते हैं, 1 माइनस। तो हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड है हमारी वो राइट हैंड साइड के इक्वल हो गई है। तो ये हम नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड के राइट हैंड साइड शिफ्ट करनी है, जैसे कि यहां पर हमारा दे रखा था, क्या दे रखा था, 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस sin थीटा, तो ये हमने इसके बराबर सिद्ध कर दिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1 डिवाइड बाई
वन डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। माइनस टेन माइनस वन डिवाइड बाई कॉस थीटा इक्वल टू हमें सिद्ध करना है वन डिवाइड बाई कॉस थीटा माइनस वन डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम क्या करते हैं यहां पर, पहले इसका हम पक्षांतरण कर लेते हैं, यानी ये जो संख्या दे रखी है उसको एक तरफ हम कर लेते हैं, सारी संख्या है उनको एक तरफ हम कर लेते हैं, या फिर इसका पक्षांतरण इस तरीके से कर लेते हैं कि ये हमारा एल एच एस है आर एच एस के बराबर हो जाए, किस तरीके से एल एच एस इधर हमारा आर एच एस है। तो हमने क्या किया, पक्षांतरण कर लिया, तो यहां पर हो जाएगा हमारा वन डिवाइड बाई सेक थीटा माइनस टेन थीटा। इस वाली संख्या को हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस की हो जाएगी, प्लस वन डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और ये वाली संख्या है इसको इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगी वन डिवाइड बाई कॉस थीटा प्लस वन डिवाइड बाई कॉस थीटा। तो फाइनली हमारे पास में संख्या जो आ गई है वो आई है वन डिवाइड बाई सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू टू डिवाइड बाई कॉस थीटा, ये हमारे पास में फाइनल वैल्यू आई है। अब हम क्या करते हैं, सेक थीटा प्लस टेन ये हमारा नया क्वेश्चन बन गया एक तरीके से, यानी कि हम इसमें अब एल एच एस लेते हैं, एल एच एस को आर एच एस के बराबर सिद्ध कर देंगे तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एल एच एस हम लेते हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी, हम दोनों को एलसीएम ले लें तो ये आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा, और एक आ जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो हम देखें यहां पर सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा कट जाएगा तो ऊपर आएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और यहां पर क्या करेंगे हम, सेक थीटा प्लस टेन थीटा से सेक थीटा प्लस टेन थीटा काट देंगे तो यहां पर आ जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब क्या होगा, ये माइनस का है ये प्लस का है तो ये कट जाएगा तो ऊपर आ गया हमारे पास में यहां पर टू सेक थीटा, और नीचे हम देखें यहां पर तो ये क्या आ गया, नीचे आ गया हमारा जैसे कि ये इसको a माने a माइनस बी, इसको माने a प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से हम कह सकते हैं कि ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब हमें एक चीज पता है कि एक फार्मूला होता है वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमें फार्मूला पता है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वन इक्वल टू क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब क्या है कि ये जो वैल्यू है इसका मान होगा वन, ये सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा है इसका मान होगा वन, और इसका मान अगर 1 है, किसी भी संख्या में 1 का भाग देते हैं तो सेम संख्या आती है, इसका मतलब हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आ गई है, 2 sec थीटा। तो ये हमारी फाइनल वैल्यू आ गई है 2 sec थीटा, और 2 sec थीटा में sec थीटा को हम लिख सकते हैं बंडल यानी कि 2 डिवाइड बाई cos थीटा, ये हमारा सिद्ध हो गया है जो हमें सिद्ध करना था 2 डिवाइड बाई cos थीटा। तो ये हमारा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस शिफ्ट हो गया है,
LHS इक्वल टू RHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं, एक और समीकरण हम देख लेते हैं। जैसे कि हमें दी हुई है, सेक की पावर 6 थीटा, सेक की पावर 6 थीटा माइनस 6 थीटा इक्वल टू 1 प्लस 3 tan² थीटा वन प्लस 3 tan² थीटा प्लस 3 tan की पावर 4 थीटा, 3 tan की पावर 4 थीटा ये हमें सिद्ध करनी है। तो सबसे पहले हम देखें कि ये क्या है हमारा, सेक की पावर 3 थीटा है, टेन की पावर टेन सेक की पावर 6 थीटा है, 10 की पावर 3 थीटा है। तो एक हमारे में यहाँ पर फार्मूला होता है, लेफ्ट हैंड साइड हम लेते हैं पहले, तो लेफ्ट हैंड साइड sec² थीटा सेक की पावर 6 थीटा माइनस 10 की पावर 6 थीटा। एक हमारे पास में फार्मूला 3 माइनस b की पावर 3, ये होता है a² + ab + b² ये फार्मूला होता है। अब ये फार्मूला कैसे आया हमारा, कैसे आया? फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं बी को ए से, तो माइनस बी ए स्क्वायर आएगा। फिर हम बी को मल्टीप्लाई करते हैं हमारा। अब क्या करते हैं, हम इस फार्मूले को इसमें सेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस फार्मूले को इसमें सेट कैसे करेंगे हम, जैसे कि कोई की किसी की पावर 2 की पावर 2 और इसकी पावर 3, यानी 3 दूनी 6, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। क्योंकि 2 की पावर 6 का मतलब क्या होता है, 2 को 6 बार गुणा किया, 2 × 2 × 2 क्योंकि 4 चौके 16, 16 चौके 64, यानी हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने अगर इसको ऐसे लिख दिया, यानी 2 की पावर 3 और 3 की पावर 2, तो हमारा ये फार्मूला नहीं बनेगा। इस वजह से हमें इसको इस तरीके से लिखना होगा, यानी कि sec² थीटा इसकी पावर 3 हमने कर दी, माइनस 10² थीटा इसकी पावर हमने 3 कर दी। अब ये क्या हो गया हमारे पास में, ये हमारे पास में a हो गया यानी a की पावर 3, ये हो गया b यानी b की पावर 3। तो इसके अकॉर्डिंग हम निकालेंगे, तो ये हो जाएगा a थीटा माइनस 10 थीटा,
sec थीटा माइनस टेन थीटा। आगे हम सॉल्व करें तो क्या आया है, ए स्क्वायर यानी sec स्क्वायर थीटा प्लस ए वी यानी कि sec थीटा टेन थीटा, sec थीटा टेन थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कि टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास में मान आ रहा है। अब इसको हम सॉल्व करें तो क्या होगी वैल्यू, तो ए और बी है हमारा, ए और बी में यहां पर थोड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि ए हमने माना है सेक स्क्वायर थीटा, तो सेक स्क्वायर थीटा आएगा यहां पर, और बी माना है हमने टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा आएगा। ए स्क्वायर यानी सेक स्क्वायर, तो ये हम हटा देते हैं यहां पर, ये फोर आएगा यहां पर, यहां पर भी फोर आएगा, यानी कि सेक की पावर फोर थीटा, यहां पर भी टेन की पावर फोर थीटा आएगा, टेन की पावर फोर थीटा, और ये सेक स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा आएगा, इस तरीके से वैल्यू आएगी। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, तो सेक स्क्वायर थीटा हो गया हमारा वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा, और फिर माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, इसका मतलब ये कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का टेन स्क्वायर थीटा है, टेन स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा हमने यहां पर बाहर ले लिया था दोनों में से, इसका मतलब इसमें हम एक कर सकते हैं यहां पर, इसका थीटा में से यहां पर वन कॉमन ले सकते हैं हम, तो हमने यहां पर वन कॉमन लिया, या फिर ये भी कर सकते हैं हम कि टेन स्क्वायर थीटा से टेन स्क्वायर थीटा काट देंगे हम, ये वन बचेगा, वन को इससे मल्टीप्लाई करते तो कोई मतलब नहीं है, तो इसका कोई मतलब नहीं रहा, इसको पूरे को हटा देते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं हम सेक स्क्वायर थीटा को, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज किया हमने वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा आ गया हमारे पास में सेक स्क्वायर थीटा का मान। और फिर हमने अंदर का जो सेक स्क्वायर थीटा है इसको भी हमने चेंज किया, किसमें, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा में, हो गया वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और प्लस ये भी यहां पर दे रखा है टेन स्क्वायर थीटा, तो कोष्टक बंद कर दिया टेन स्क्वायर थीटा, और आगे दे रखा है टेन की पावर फोर थीटा। तो हम क्वेश्चन में देखें कि फाइनली टेन की पावर फोर थीटा तो हमारा क्वेश्चन में आना है, टेन की पावर फोर थीटा को हम कुछ चेंज नहीं कर रहे हैं यहां पर, इसमें देखें वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा है, ये इन दोनों में से वन कॉमन ले सकते हैं क्योंकि वन तो कहीं भी कॉमन आ सकता है, थीटा है ये भी टेन स्क्वायर थीटा है, तो वन प्लस टू टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा यहाँ पर,
इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो 1 + tan² θ है, ये यहाँ पर 1 + tan² θ, ये वैल्यू यहाँ पर आ गई, और ये आ गया यहाँ पर 1 + 2 tan² θ, क्योंकि ये वैल्यू यहाँ पर होगी 2 tan²θ, 2 tan²θ, और फाइनली बाहर क्या हो गया, 10⁴θ। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये 1 है और इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, तो ये पूरा हमारा, ये तो बाहर का सेक्शन है 1 + tan²θ, ये हमारा अंदर का सेक्शन रह जाएगा। तो हम यहां पर कह सकते हैं, आगे सॉल्व करें इसको, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस, ये 1 से 1 मल्टीप्लाई किया, फिर 1 से 2 tan²θ मल्टीप्लाई किया, तो यह आ जाएगा 2 tan²θ +2 tan²θ +1 से हमने इसको मल्टीप्लाई किया, तो 10⁴θ आ जाएगा। तो इसको हम पहले बाहर छोड़ देते हैं, पहले यहीं तक मल्टीप्लाई करते हैं, 1 + 2 tan²θ, फिर 10² θ को मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पर 10² θ आ जाएगा, 10² θ, 10² θ को 1 से मल्टीप्लाई किया, फिर 10² θ को 2 से मल्टीप्लाई किया, तो ये आ गया 2 tan²θ, 2 10⁴θ, तो 2 10⁴θ, और यहाँ पर ये प्लस है, ये 10⁴θ बाहर की साइड, तो क्या हो गया, ये 1 + 2 tan²θ, और 10² θ क्या हो गया, 3 tan²θ, और +2 10⁴θ और 10⁴θ, तो ये हो गया 3 tan²θ। तो यही हमें सिद्ध करना था, यानी कि LHS बराबर RHS, ये हमें यहाँ पर सिद्ध करना था, यानी 1 + 3 tan²θ +3 tan²θ। तो ये हमारा सिद्ध हो जाएगा इस तरीके से, 1 + 3 tan²θ +3 tan²θ। अब हम कुछ जो हमने यहाँ पर समीकरण देखी हैं, वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे कि समीकरण क्या क्या देखी है हमने, एक तो हमने देखा है यहाँ पर समरी के रूप में लाल बटे कक्का देखा है, त्रिकोणमिति के अंदर लाल बटे कक्का के यानी कि sin θ cos θ tan θ sec θ और cosec θ, cosec θ। तो हम क्या लिखेंगे, और cosec θ का जो सूत्र होगा इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब हो जाएगा। कि जो sin θ का मान है 1 / cosec θ, 1 / cosec θ, और cosec θ का जो मान होता है 1 / sin θ, sin θ। नेक्स्ट हम देखें दूसरी चीज, दूसरा क्या है, आधा और कर्ण है, यानी कि cos θ हम देखें, cos
कॉस थीटा, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये हो जाएगा हमारा आधार बटे कर्ण बटे कर्ण, और सेक थीटा होता है हमारा कर्ण बटे आधार, क्योंकि कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा, तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो हम यहां पर कह सकते हैं कि जो सेक थीटा होता है वो होता है हमारा 1 बटे कॉस थीटा, और जो कॉस थीटा होता है हमारा वो होता है 1 बटे सेक थीटा। अब हम देखते हैं कॉट थीटा, कॉट थीटा, कॉट थीटा का जो मान होता है यहां पर वो होता है आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, क्योंकि ए फोर आधार, एल फोर लंब, तो आधार बटे लंब। और टेन थीटा जो होता है वो कॉट थीटा का उल्टा होता है, यानी कि लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। इसका मतलब हम यहां पर कह सकते हैं कि टेन थीटा का जो मान होगा वो होगा 1 डिवाइड बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा, और कॉट थीटा का जो मान होगा यहां पर वो होगा 1 डिवाइड बाई टेन थीटा। तो इस तरीके से ये मान होगा। तीन हमारे पास में सूत्र होते हैं, तीन सूत्र हैं जिनको हम त्रिकोणमिति सॉल्व करने के लिए उपयोग करते हैं। पहला है हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और दूसरा है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है, सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कोसेक स्क्वायर थीटा, कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसके आधार पर हम सारी प्रश्नावली है वो हम सॉल्व कर लेंगे। अगर प्रश्नावली में कोई भी क्वेश्चन नहीं होता है तो आप हमें सूचित कर सकते हैं, हम आपको उसका सॉल्यूशन है वो आपको बता देंगे।